हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर महीने दो एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस बार योगिनी एकादशी आज मनाई जा रही है। योगिनी एकादशी में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। इस साल ये व्रत और भी ज्यादा खास है क्योंकि इस दिन कुछ विशेष योग बन रहे हैं। ये योग बेहद ही शुभ हैं जो योगिनी एकादशी व्रत के महत्व को भी और बढ़ा रहे हैं। आज योगिनी एकादशी के दिन सुबह 5:24 से सुबह 8:04 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इसके बाद सुबह 11:56 से दोपहर 12:51 तक पूजा के लिए उत्तम मुहूर्त है। 25 जून सुबह 5:51 से 8:31 तक पारण का समय है। योगिनी एकादशी पर इस बार एक नहीं बल्कि 3-3 शुभ योग बन रहे हैं। आज सुकर्मा धृति के साथ बेहद शुभ माना गया है। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग को धर्म ज्योतिष में बेहद ही शुभ माना गया है। इस योग में किए गए काम शुभ फल देते हैं। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग में की गई पूजा पाठ का कई गुना ज्यादा फल मिलता है। सुकर्मा और धृति योग भी बेहद शुभ माने गए हैं। इन तीन शुभ योग के अलावा इस दिन अश्विनी और भरणी नक्षत्र भी रहेगा। इन दोनों नक्षत्रों को भी बहुत शुभ माना गया है। योगिनी एकादशी वाले दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के साथ योगी राज श्री कृष्ण तुलसी जी और शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान कर लें, भगवान के दर्शन कर एकादशी व्रत का संकल्प लें, पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें, उनका गंगा जल से अभिषेक करें, चंदन अक्षत धूप दीप से पूजा करें, फल फूल अर्पित करें, भगवान विष्णु को तुलसी जरूर अर्पित करें, एकादशी की व्रत कथा पढ़ें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। ऐसा करने से अपार धन लाभ होता है। जो भक्त योगिनी एकादशी का व्रत रखते हैं उनके सभी पाप मिट जाते हैं। योगिनी एकादशी व्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत की महिमा से व्रती को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो भक्त योगिनी एकादशी का व्रत रखते हैं उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पूर्ण लाभ मिलता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।